आगरा में सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल सी न्यूज के ऐप को आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। छावनी परिषद बोर्ड की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बोर्ड बैठक में छावनी परिषद अध्यक्ष पद की शपथ स्टेशन कमांडर ब्रिगेडियर सेना मेडल पीके सिंह ने ली। बैठक के दौरान तमाम समस्याओं पर चर्चा भी की गई, साथ ही टेंडर प्रक्रिया की जांच करने के आदेश भी दिए गए। आगरा छावनी परिषद की बोर्ड की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बोर्ड की बैठक में अध्यक्ष पद के तौर पर स्टेशन कमांडर ब्रिगेडियर सेना मेडल पीके सिंह ने शपथ भी ली, साथ ही तमाम बिंदुओं पर चर्चा भी की गई। आज की बैठक की सबसे खास बात ये रही है कि हमारे जो नव नियुक्त पीसीबी प्रेसिडेंट कंटोनमेंट बोर्ड है ब्रिगेडियर पीके सिंह सेना मेडल और आर्मी के स्टेशन कमांडर आगरा, आज उन्होंने अपने अध्यक्षता की शपथ ली है कंटोनमेंट बोर्ड में। और आज हमने और सारे इलेक्टेड वार मेंबर्स विद द वाइस प्रेसिडेंट ने उनका स्वागत किया बोर्ड में। उसके बाद जो हमारे जीसी और सिविल एरिया कमेटी की बिंदुएं थी, जैसे कि सिविल कंसल्टेंसी का सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का जो पूरा प्रोजेक्ट है उसके बारे में विस्तृत चर्चा की गई। पार्किंग का ठेका है हमारा, उसके बारे में हमने बात करी है, आगे क्या करना है उसकी थोड़ी चर्चा की गई है और उसके कुछ दिशा निर्देश बोर्ड ने फाइनल किए हैं। ऐसा बताया गया कि सिविल कमेटी, जनरल कमेटी सहित कई बिंदुओं पर चर्चा की गई है, खास तौर से टेंडर प्रक्रिया पर भी चर्चा की गई है। जो हमारे सदर बाजार के लिए डेवलपमेंट का प्लान है वो तैयार किया जाएगा, ताकि हम सदर बाजार को एक बढ़िया मॉडर्न मार्केट के रूप में डेवलप कर सके। इसके अलावा जो हमारे सेंट्रल फाइनेंस कमीशन के ग्रांट्स आए हैं उसका सेकेंड इंस्टॉलमेंट बोर्ड को प्राप्त हुआ है, उसके तहत क्या क्या विकास कार्य कराए जाएंगे वो भी आज हमने चर्चा की है सेकेंड और थर्ड फेज के लिए। मुख्य बिंदु आज के यही है। सरदार पटेल पार्क के लिए पूरे कैंप के डेवलपमेंट के साथ साथ योजना तैयार की जाएगी, क्योंकि वो हमारा एक 17 एकड़ का काफ़ी बड़ा असेट है और उसको हमको डेवलप करना है। रिसोर्स जनरेशन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि जैसा कि आपको विदित है छावनी परिषद आगरा अपनी वित्तीय संकट के बहुत ही कठिन दौर से गुजर रहा है पिछले 2 साल से, और अभी ये संकट और गहराता जा रहा है समय के साथ साथ। इसलिए रेवेन्यू जनरेशन यानी हमारी जो आमदनी है उसको बढ़ाने के लिए हम सभी प्रयासरत हैं और प्लानिंग कर रहे हैं। गौरतलब है कि पूर्व में अध्यक्ष रहे स्टेशन कमांडर ब्रिगेडियर का तबादला हो जाने के बाद ब्रिगेडियर पीके सिंह ने पदभार ग्रहण किया है। ये पहली बैठक थी जिसमें स्टेशन कमांडर ब्रिगेडियर सेना मेडल पीके सिंह ने हिस्सा लिया। सर, आज बोर्ड की बैठक ने स्टेशन कमांडर ब्रिगेडियर पीके सिंह सेना मेडल, जब से आए हैं 1 महीने से उन्होंने अपना ओथ नहीं ली थी, पहले तो उन्होंने अपनी ओथ ली, और इनके बारे में बताना चाहता हूँ कि ये सेना मेडल रहे हैं, इंडियन आर्मी में 26 साल से कार्य करा है इन्होंने, और ये हमारे वहाँ पे साइचन में काम कर चुके हैं, एंटी टूरिज्म इन जेएनके काम कर चुके हैं, और दूसरा जेएनके में भी काफ़ी इनको सेना मेडल मिले हैं 3 वहाँ पे। अच्छा सर, ही बैठक और कहते हैं आज बहुत ही अच्छा बोर्ड मीटिंग हुई, हर मुद्दे पे चर्चा हुई, जीसी और सीएसी के मुद्दे पास हुए। एक जो सबसे बड़ा सफाई का कॉन्ट्रैक्ट था उस ठेके में, सफाई का जो ठेका था उसमें कहते हैं हमारी कमेटी ने ये कहा था कि टेंडर तो बड़े प्रोसीजर से हुआ है लेकिन उस पर कुछ कंप्लेंट्स आई थी, तो आज हमारे ब्रिगेडियर साहब ने और बोर्ड ने उसकी ट्रांसपेरेंसी दिखाते हुए ये कहा कि जब तक इसकी इंक्वायरी नहीं हो जाती है, इस इंक्वायरी में उन्होंने ऑफिस की रिपोर्ट मांगी है, इसी मेम्बरों की भी रिपोर्ट मांगी है कि ये टेंडर में जो कंप्लेंट्स आई हैं इसमें कितनी सत्यता है। दरअसल छावनी परिषद आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहा है, संकट के बीच जन सुविधाओं का भी छावनी परिषद को ख्याल रखना है। आगरा छावनी परिषद की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। महत्वपूर्ण बैठक में स्टेशन कमांडर ब्रिगेडियर सेना मेडल पीके सिंह ने शपथ भी ली। तमाम सारे बिंदुओं पर चर्चा की गई, खास तौर से टेंडर प्रक्रिया पर भी मंथन किया गया। इस बात को लेकर खास ध्यान दिया गया कि टेंडर प्रक्रिया में कोई झोल तो नहीं है, जांच की बात की है, जांच के बाद ही टेंडर पास हो सकेंगे। इसके अलावा तमाम सारे सिविल कमेटी और जनरल कमेटी के मुद्दों पर भी चर्चा की गई, समस्याओं को दूर करने की बात भी कही गई है। देखना होगा कि आर्थिक संकट से जूझ रही छावनी परिषद समस्याओं को कितनी और कब तक दूर कर पाती है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। अपने साथी इकबाल के साथ राकेश कन्नौजिया, सी न्यूज़ आगरा।